हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रा का सवाल है, और हम इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे जिससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे, हम उसी को ढूंढने जा रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, उसको ढूंढने जा रहे हैं कि हमें क्या ऐड करना चाहिए इस एक्सप्रेशन में जिससे हमारी ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4a की पावर 4 है। सबसे पहले एक्सप्रेशन पढ़ देते हैं आपके सामने। 4a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5। यहाँ पे क्यूब का मतलब होता है 3 और स्क्वायर का मतलब होता है 2। आगे चलते हैं। हमारे पास, हम सबसे पहले 4a की पावर 4 इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसका हम ऐसी एक टर्म ढूंढेंगे जिसको खुद उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये चीज़ आ जाए। तो वो चीज़ हमारे पास है 2a². अगर 2a² को हमने खुद उससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास देखें 2 टू द 4, और a की पावर 2 मतलब a की पावर स्क्वायर स्क्वायर ये रहेगी a की पावर 4, तो ये रहेगी 4a की पावर 4। यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर एक डिविजिबल लाइन लगा दीजिए। आगे चलते हैं। ये चीज़ पूरी कैंसिल आउट हो गई, एक प्लस का है और एक माइनस का है, सिंपल है, कैंसिल आउट। अब आगे चलते हैं, ये 4a³ और 5a² इसको उतार लेते हैं, यहाँ पर कॉपी डाउन कर लें आप, 4a³ प्लस 5a². अच्छा, और इसको ऐड करवा लेते हैं, ये रहेगा 2 टू द 4, मतलब कि सिंपल है, ए स्क्वायर मतलब कि सेम है, इनको चेयर मान लेते हैं, ये ए स्क्वायर एक चेयर है और ये भी, ये यहाँ पे दो चेयर है और यहाँ पे दो चेयर है, तो 4 और ये रहेगा चेयर। आगे चलते हैं हमारे पास। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में भी यही समझाया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहली, मतलब कि ये पूरी एक्सप्रेशन आते जाएगी यहाँ पर, इसमें हम पहली टर्म को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ये ख़त्म हो गई ना तो पूरी इक्वेशन या पूरा सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। तो हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं यहाँ पर 2a से, तो यहाँ पर 2a लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सॉरी, अगर इसको सिर्फ a से मल्टीप्लाई करवाते हैं a से, तो ये रहेगा a, ये रहेगा 4a³, ये हो जाएगा 4a³, और ये रहेगा a² ये हो जाएगा a² यहाँ पर बोथ साइड, यहाँ पर इधर ऐड कर लेंगे और इधर सब्ट्रैक, मतलब इसके साइन चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक का मतलब होता है साइन चेंज करना, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये 4a³ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। पांच, ये a² को चेयर बोल दें आप, तो पांच चेयर में से एक चेयर चली गई, तो हमारे पास चार चेयर बच गई, इसको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 4a² प्लस 2a। आगे चलते हैं, इसको बाकी बाकी को कॉपी डाउन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 5। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4a² है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, तो सिंपल 1 से करवा दें, ताकि 1 से करवाएंगे तो 4a² आ जाए, तो ये रहेगा हमारे पास 4a², ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2a, और 1 वन ज़ा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर प्लस लगा दें और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इत्तेफाक से ये भी कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास 5 में से 1 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4, और इसको छोड़ दें आप, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो आया हमारे पास 4। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि हमारा सवाल क्या कह रहा था। सवाल में ये था कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, और ये परफेक्ट स्क्वायर हमें पता था, सवाल में हमने पहले ही स्टार्ट में आपको बता दिया था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो खुद कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब वो क्या ऐड कराना है वो हम देखते हैं। जो रिमाइंडर था हमारा 4, आप सबसे पहले क्या करें, इसका एडिटिव इन्वर्स ढूंढ लें। एडिटिव इन्वर्स का आसान मतलब यह है कि ये जो हमारे पास ये 4 है, इसको आप पहले यहाँ लिखें, और फिर इस यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो इसका साइन चेंज करवा दें, ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। कोई भी एक्सप्रेशन है अगर उसका एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो हम उसके साइन चेंज कर लेंगे। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, हमने बेसिक मैथ को बहुत डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ उसको एक बार विजिट कर लें, ताकि आपको ये एडिटिव इन्वर्स वाली कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये प्लस का 4 है यहाँ पर, तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, माइनस। तो हमारे पास -4 अगर इस एक्सप्रेशन में ऐड करवाएंगे तो ये
पूरी एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या था कि माइनस फोर हमारे पास ऐसी टर्म है, ऐसी चीज़ है कि हमें इसे इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में ऐड करवाएंगे तो हमारी ये पूरी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक सवाल को सॉल्व करते हैं। जो सवाल है हमारे पास वो इस कंडीशन में गिवन है कि हमारे पास व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 मतलब 4x क्यूब प्लस 10x की पावर 2 10x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस वाली जो ये जो चीज़ दी हुई है सवाल में, जो एक्सप्रेशन दी हुई है सवाल में, इसमें हम क्या ऐड करेंगे जिससे हमारी एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और इसमें क्या ऐड करेंगे वो चीज़ हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4। अब हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो हमारे पास उसी का अपना प्रोडक्ट एक्स की पावर 4 बन जाए, जैसे हमारे पास एक्स की पावर 2। अगर हम एक्स की पावर 2 को मल्टीप्लाई खुद इससे करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्स की पावर टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4। सही, यहाँ पर प्लस कर दीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए और एक लाइन डिविजिबल की ऐसे डाल दीजिए। सही, ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आ जाएगा आगे, इसको उतार देंगे 4x क्यूब। अब यहाँ पे दोनों दो टर्म को उतार लीजिए, ये वाली दोनों टर्म्स को उतार लें, 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ढूंढते हैं, इसको भी ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर। कभी कभार वेरिएबल्स को ऐड करना मुश्किल होता है तो आप इस तरह ऐड करवा सकते हैं। एक्स स्क्वायर को मान लीजिए एक चेयर तो दो चेयर दो गई, तो दो और ये चेयर। आगे चलते हैं, आगे हमें 4x क्यूब को ख़त्म करना है। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहली वाली टर्म इसको ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, जब ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आप ये सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। तो 4x क्यूब को ख़त्म करना है, 4x क्यूब कैसे ख़त्म करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2x लिख देते हैं तो यहाँ पर 2x भी लिखना पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4 और x x ज़ा x क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और x x ज़ा x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। बोझ यहाँ से पूरी डिविजिबल लाइन ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पर क्योंकि साइन चेंज होती है माइनस। अब ये 4x क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, यहाँ पर दिखा हुआ है 10 चेयर हैं या 10 ट्रॉफियाँ हैं, एक्स स्क्वायर को ट्रॉफियाँ मान लें, तो 10 ट्रॉफियों में से 4 आपने खा ली तो 6 ट्रॉफियाँ बच गई, 6 और ये ट्रॉफियाँ, इसको भी ऐड करवा दें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14x और आगे प्लस 7। अब हम क्या कराएंगे, अब हम यहाँ पर इस 6 को ख़त्म करने वाले हैं। इस 6 को इस तरह आप ख़त्म करेंगे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे 3 लिख देता हूँ प्लस 3, तो यहाँ पर भी आपको प्लस 3 लिखना पड़ेगा, तो ये जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये रहेगा x स्क्वायर है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है तो x स्क्वायर है, तो ये रहेगा 6x स्क्वायर, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3 को 4 से करवा देंगे तो ये रहेगा 12x, ये हो जाएगा प्लस 12x, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। सही है, यहाँ पर आपने डिविजिबल लाइन लगा दी, माइनस और यहाँ पे तो प्लस लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब 14x है, फर्ज करें 14 टॉफियाँ थी हमारे पास और 12 टॉफियाँ हमने खा ली, तो हमारे पास 2 टॉफियाँ बच गई, मतलब हमारे पास बच गई, तो 2 टॉफियाँ 2। सही, और हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 7 और माइनस का 9 है। अब यहाँ पर ना ये भी एक मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना कि यार माइनस का साइन बड़ा है और प्लस का साइन है, इन सब मामलों में मत पड़िए, एक आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ कि अलजबरा में माइनस और इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपने किसी से कर्ज़ लिए 9 रुपये, माइनस का साइन आप इस तरह याद कर सकते हैं कि आपने कर्ज़ लिए, तो 9 रुपये आपने कर्ज लिए किसी से भी, तो 9 रुपये हमारे पास कर्ज है, आपके पास 7 रुपये आए तो आपने 7 रुपये उसे वापस कर दिए, तो आपके पास अब कितना कर्ज बचा, पहले 9 रुपये कर्ज था, आपने 7 रुपये उसको रिटर्न कर दिए, अब कितना कर्ज बचा, 2 रुपये कर्ज, तो कर्ज और 2,
तो हमारे पास ये सारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास जो मतलब कि मेन जो काम था हमारे पास कि सवाल क्या था, सवाल में लिखा हुआ था कि व्हाट शुड बी एडिट, क्या ऐड करें इस एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है इसमें 2x-2, अब इसको देखते हुए आप ये काम करें, इसका एडिटिव इन्वर्स ढूंढिए। मतलब आसान अल्फाज में अगर हम कहें एडिटिव इन्वर्स के बारे में, तो जो लिखा हुआ है इसका साइन चेंज कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x और -2, तो आप इसका साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर 2x+, मतलब कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, तो ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। तो आप इस एक्सप्रेशन में अगर ये माइनस का 2x+2 इसमें ऐड करवा देंगे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सनीमा। आज हम अलजबरा के एक सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.14 क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है 4a³ + 4a³ - 3a² - pa+a। अब हमें क्या करना है, इसमें पी की वैल्यू तलाश करनी है। जो पी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए हम उस पी की वैल्यू तलाश करने जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह ऐसे पहले लिख लें, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करने चलते हैं। ये हमारे पास दिखा हुआ है 4a³, तो 4a³ को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। इन सब में सबसे पहले 4a³ को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो 4a³ के लिए हमारे पास कोई ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसको खुद मल्टीप्लाई से करें तो 4a⁴ आ जाए। तो 2a² अगर इसको खुद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² × 2a², तो हमारे पास ये आ जाएगा 4, 2 2 4, और a² a² a⁴, तो ये हो जाएगा 4a⁴, और माइनस और यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2a² 2a², ये हो जाएगा 4a², और ये रहेगा कैंसिल आउट, प्लस का 4a⁴ और माइनस की 4a⁴, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आगे चलते हैं, आगे इसको उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 4a³ - 3a² अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4a³ है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का a लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस का a, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a एज a³, और 4 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 4a³, मतलब a को मल्टीप्लाई करा दें 4a² से, a को 4a² से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 4a³ आ जाएगा, और a एज a² हो जाएगा प्लस a². यहाँ पर इन दोनों की साइन चेंज कर लें, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस लिख दें, मतलब प्लस साइन शो नहीं होता, वो हिडन होता है, इससे पहले ही प्लस है, इससे ही पहले ही प्लस था, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, और यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है तो इसको माइनस कर दें, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये हो जाएगा हमारे पास 3a² है। तो माइनस का 3a² और माइनस का a², आप इसको इस तरह सपोज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास माइनस का 3 जो है, आप इस तरह याद कर लें कि ये कर्ज़ है, माइनस का 3 ये कर्ज़ है, मतलब 3 रुपये किसी के कर्ज़ हैं। तो आपने क्या करा, 1 रुपये और कर्ज़ ले लिया, तो टोटल कर्ज़ कितने हो गए, मतलब कि आपने कितने लोन ले लिए, और पहले आपने 3 रुपये लिए थे उन, अब 1 रुपये और ले लिए उन, कितने रुपये उन लोन ले लिए, 4 रुपये, तो 4 और मतलब के लोन ये था, तो माइनस माइनस साइन शो करता है लोन को। आसानी के लिए हमने इस तरह याद किया हुआ है, पिछली वीडियोज़ में भी हमने इसी पैटर्न से आपको सवाल समझाने की कोशिश की है। 4a² है, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 4a² ऐसे ही आ जाएगा, ए ए से ऐड होगा, ये हो जाएगा 2a। बाकी चीज़ों को भी ऐसी कॉपी कर लें, ये हो जाएगा माइनस का pa+1। अब इन तीनों टर्म्स में मैंने जैसे आपको बताया है कि इन पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहली वाली चीज़ को ख़त्म करने की, कैंसिल करने की कोशिश करें, इन दोनों टर्म में सबसे पहली वाली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें, इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहली वाली एक्सप्रेशन को कैंसिल करने की कोशिश करें। जब आप ये मेथड यूज़ करते हैं ना, सबसे पहली वाली टर्म को कैंसिल करने की, तो पूरा सवाल ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये -4a² है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जो -4a² आ जाए, तो मैं -1 लिखता हूँ, तो -1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो ये रहेगा -1 -1 × 4a², ये रहेगा -4a², ये हो जाएगा -2a और -1 × -1, तो -1 और 1 1 1, तो +1, सही।
यहाँ पर इन सबके साइन चेंज कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा माइनस। वन से वन मतलब कि एक रुपये थे, एक रुपये खर्च हो गए, मतलब एक रुपये ये थे। या आप इस तरह याद, जैसे आपने किया था कि एक रुपये किसी और के लोन थे, आपने उसको एक रुपये दे दिए वापस, तो कोई लोन बचा, कोई चीज़ बची ना, आपके पास पैसे बचे ना उनके पास, तो जीरो, कोई भी नहीं आया, तो कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पर प्लस का फोर है, माइनस का फोर, ये भी कैंसिल आउट। मतलब इस वाले साइन को देखते हैं, ये प्लस का फोर है और ये माइनस का फोर है, कैंसिल आउट हो गए। अब इस चीज़ को उतार लें आप, इस तरह उतार लें कि माइनस का पी ए और ये रहेगा प्लस का टू ए। अब हमारे पास जो सवाल था, सवाल में कह रहा था हमारे पास कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये पूरी टर्म क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देख जो हमारे पास अब आते हैं असल वजह पर, असल चीज़ पर कि हमारे पास क्या था। तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर बचा है, अगर ये रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता, ये रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये पूरी पूरा सवाल जो है ये क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर था, और जो आंसर आता वो परफेक्ट स्क्वायर होता। मतलब आंसर क्या होता है इसका, ये इसको उठा के लिख दीजिए, ये टू ए स्क्वायर है, ये टू ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये ए है प्लस का, ये यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस वन है, ये यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाती अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो। मगर यहाँ पर ये रिमाइंडर बच गया, तो अब रिमाइंडर जब बच गया, तो अब रिमाइंडर बच, इसको तो ज़ीरो होना चाहिए था, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से माइनस पी ए प्लस टू ए, इसको आप ज़ीरो के बराबर पुट कर दीजिए। अच्छा दोनों में ए ले लीजिए कॉमन, तो ए आपके पास आ जाएगा कॉमन, आपने उठा के लिख दिया माइनस पी प्लस का टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए की वैल्यू, अब देखें आप ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म से, तो इसका मतलब है कि या तो ए ज़ीरो है, मतलब कि या तो ये एक ज़ीरो है या तो एक ज़ीरो है, मतलब ए इस मुट्ठी में और माइनस पी प्लस टू एक मुट्ठी में, दोनों मुट्ठी में से कोई एक मुट्ठी हमारे पास क्या ज़ीरो है, तो ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ए ज़ीरो हुआ तो पूरी जो एक्सप्रेशन है वो पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये चीज़ जो है इसको ज़ीरो के बराबर करना होगा, तो इसको उठा के आप ज़ीरो के बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस पी प्लस का टू इज इक्वल टू ज़ीरो। पी को उधर भेज दीजिए, पी उधर जाएगा, अपना साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू टू, यूँ इस तरह लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिख दें पलट के, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू टू, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू आ गई। अगर इस पी की वैल्यू टू को उठा के आप सवाल में पुट कर दें, तो जो पूरा सवाल है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी अगर पी की वैल्यू इसमें उठा के टू पुट कर दी जाए तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो कि अलजबरा का सवाल है, और वो है एक्सरसाइज नंबर 5.14 क्वेश्चन नंबर 12 का है। व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू टू मेक इट 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस क्यू परफेक्ट स्क्वायर। क्यूब को यहाँ पे 3 बोलते हैं और स्क्वायर को 2 कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है जो आपको मैंने पढ़ के बताई अभी, इसमें हमारे पास क्यू की वैल्यू अननोन है, तो हमें क्यू की वैल्यू क्या पुट करें जिससे हमारी ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए वो क्यू की वैल्यू ढूंढने जाते हैं और तलाश करने जाते हैं कि देखते हैं कि क्यू की वैल्यू आती क्या है। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को उठा के ऐसे करके लिख दें, और आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे बना दें। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली वाली जो टर्म है इसको कैंसिल करने की कोशिश करें, तो हमारे पास ऐसी कोई टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसको खुद मल्टीप्लाई किया जाए तो ये टर्म आ जाए। तो हमारे पास 2x स्क्वायर, ये एक ऐसी टर्म है, अगर इसको खुद इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक ऐसी 4x स्क्वायर है, 4x की पावर 4 आ जाएगी, मतलब 2 टू द 4 और x स्क्वायर एक्स की पावर 4 यहाँ माइनस लगा दें, और यहाँ तो प्लस आएगा क्योंकि इसके सामने प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो ये तो प्लस आता है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब ऐड करवा देंगे दोनों को, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पर ये 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर, इसको आप ऐसी कॉपी कर लें। आगे चलते हैं, अब इन दोनों टर्म में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहली वाली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें, तो आप इस वाली एक्सप्रेशन में इस पहली वाली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें। तो 12x क्यूब को कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर अगर आप लिख देंगे 3x, तो ये 3x यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा,
तो ये 3 4 12 एक्स, एक्स स्क्वायर था एक्स क्यूब, तो ये जाएगा 12 x³। यहाँ पर ये ऐड है और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 9 x² ये हो जाएगा 9 x² और प्लस 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 है। अब साइन चेंज करा, जैसे यहाँ पे ये प्लस होता है ये माइनस कर दिया, इसका प्लस साइन था इसका साइन चेंज करके माइनस कर दिया, 12 x³ माइनस 12 x³, मतलब प्लस का था ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 25 प्लस का है और माइनस का 9 है, तो प्लस का 25 और माइनस का 9, ये आ जाएगा 16 x². अब ये दोनों टर्म जो बची हुई है इनको कॉपी कर लें यहाँ पे, ये हो जाएगा 24 x+q, और इसको यहाँ पर उतार लें 4 x² 3 और 3 हो जाएगा 6 x। अब क्या करें आप, अब पहली वाली टर्म को, जैसे आपको मैंने पहले बताया अभी भी कि पहली वाली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, यहाँ पर मैं क्या, कौन सा नंबर रखूँ या कौन सी चीज़ रखूँ या कौन सी टर्म रखूँ जिससे यहाँ पर 16 x² आ जाए, तो यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, तो यहाँ पर भी 4 है, तो 4 4 16 4 x मतलब कि 4 4 16 और x² ऐसी आ गया, तो वाकई में सही आ रहा है, यही यही टर्म आ रही है, तो चलो सही है ये, ये रहेगा 4 6 24, ये रहेगा 24 और x x ऐसी आ जाएगा, और 4 4 16, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का था ये माइनस, ये प्लस का था ये माइनस, ये प्लस का था ये माइनस, इससे पहले भी हमने यही काम किया था, ये प्लस का था ये माइनस कर दिया, ये प्लस का था ये माइनस कर दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस कर दिया, मतलब कि इस साइड जो भी होगा उसके डिविजिबल लाइन से पहले माइनस करवा दे जाएंगे, ये माइनस है यहाँ भी माइनस लगा दें, ये प्लस का था ये माइनस है, ये प्लस का था तो ये माइनस है, ये प्लस का था तो माइनस है, इन सब के साइन चेंज कर दिए हमने। आगे चलते हैं, 16 x² प्लस का था 16 x² माइनस, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 24 x प्लस का था, 24 x माइनस का था, ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास ये प्लस का क्यू था यहाँ पे और ये माइनस का 16 था, यहाँ तक हम आ गए। इन सारे में यहाँ पे उठा के इसको लिखते रहें, ये हो जाएगा 2 x², ये हो जाएगा 3 x प्लस का 3 x और प्लस का 4, यहाँ तक तो हम आ गए। हमें इस सवाल में करना क्या था, यही हम आगे फंस गए कि यार हमें इस सवाल में करना क्या है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया अभी तक, हमें तो क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम ये सब करके बैठ गए। तो हमें असल में करना ये था कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन थी, इस एक्सप्रेशन को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर को अगर हम ज़ीरो कर देंगे ना, तो हमारे पास ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगी हमारे पास, वो देखते हैं। तो इस क्यू माइनस 16 जो रिमाइंडर है, इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर हमारे पास ये ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है पूरी चीज़ कैंसिल आउट हो गई, और ये जो आंसर आया ये परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, मगर ये अभी रिमाइंडर बच ही है, तो हमें इस रिमाइंडर क्या करना है, ज़ीरो के बराबर कर दें हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। हमने ज़ीरो के बराबर क्यों किया, हमारा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो हमने तभी इसको ज़ीरो के बराबर लिया, तो क्यू माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 16। तो हमारे पास जवाब ये रहा कि अगर हम, अगर इस जो ये जो सवाल है इसमें अगर हम इस एक्सप्रेशन में क्यू की वैल्यू अगर हमारे पास अगर हम 16 डालते हैं, तो ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है अलजबरा का सवाल, और हमारे पास जिसमें जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.14 क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें हमारे पास कहा गया है कि व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करें, किस में, ये जो एक्सप्रेशन हमारी दी हुई है, आप इसमें पी एंड क्यू जो जो अननोन है इन दो की पी एंड क्यू की वैल्यूज़ फाइंड करें, ताकि ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए दोस्तों, इसको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसको हम आप ना अरेंज कर दें इस तरह, 4 x^4 प्लस 12 x³ प्लस 25 x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस तरह आप अरेंज कर लें। अब अरेंज करने के बाद अब एक काम करें कि हमारे पास, हाँ, अब इसको करना क्या है कि सबसे पहले हमारे पास 4 x^4 है, जो जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आप सबसे पहली वाली टर्म को ना कैंसिल करने की कोशिश करें।
हमने इससे पहले भी जो भी वीडियोस हमने बनाई है उसमें भी हमने यही कोशिश की है कि पहली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार उसको विजिट कर लें तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। आपको एक ही पैटर्न लगेगा सारा, तो आप क्या करें, सबसे पहली जो टर्म है आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करें। तो पहली टर्म क्या है, 4x की पावर 4 है। ये कैंसिल कैसे करेंगे कि एक ऐसी टर्म ढूंढेंगे जो कि उसको खुद उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये चीज़ आ जाए। तो हमारे पास 2x स्क्वायर, ये एक ऐसी टर्म है कि अगर इसको खुद इससे करवाएं, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई इससे करवाएं तो 4x की पावर 4 आ जाएगी। कैसे, 2 टू द 4, 4x स्क्वायर x की पावर 4, x स्क्वायर x की पावर 4 यहाँ प्लस, और यहाँ पर इसका प्लस साइन था तो ये माइनस साइन, साइन चेंज कर देंगे इसको, यहाँ पर आ गए ये, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 और 2 ऐड करेंगे तो ये रहेगा 4x स्क्वायर। इसको कॉपी कर लेंगे, 12x³ + 25x² इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12x³ + 25x² अब इन दोनों टर्म में सबसे पहली वाली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें। इससे पहले भी हमने यही वीडियोस में यही बताने की और यही समझाने की कोशिश की है कि आप पहली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें। तो 12x³ को हम इस तरह कैंसिल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं ये x लिख दूँ तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो ये x मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो ये x³ हो जाएगा और 4x³ हो जाएगा, मगर 12x³ नहीं आ सका तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ताकि 3 × 4 = 12 और x² = x³। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, मतलब ये वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रहेगा 3 × 9 + 9 और x² यहाँ प्लस लगा दीजिए और यहाँ सबके साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और 25 में से 9 को माइनस करवा देंगे, मतलब 25 रुपये आपके पास हैं और 9 रुपये किसी और के कर्ज से लोन लिया था आपने कर्ज से, तो आपने क्या कर दिया, उसको कर्ज 9 रुपये वापस कर दिया। तो आपके पास पहले 25 रुपये थे, अब 9 रुपये आपने किसी को कर्ज वापस कर दिया तो अब कितने रुपये बच गए, 16 रुपये, 16 रुपये आपके पास बचे हैं तो आपके पास प्लस में आएगा ये, सो 16x² अब ये दोनों टर्म को कॉपी कर लें, px + q। अब उसके बाद आप क्या करें, अब ये वाली टर्म आ गई। इससे पहले भी हमने यही बताने की कोशिश की है कि ये पहली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें। तो पहली टर्म हमारे पास क्या, 16x², इसको आप पहले ऐड करा लें, ये हो जाएगा 4x² + 6x। अब ये पहली टर्म कैसे कैंसिल होगी, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 4 × 4 = 16 और x² = x², ये हो जाएगा 16x². इसका प्लस साइन था तो इसका ही प्लस साइन है। अच्छा, यहाँ क्या करें, यहाँ पर भी आपको अभी कंप्लीट करनी है, तो 4 × 4 = 16 और x² 16x² 4 × 6 = 24 और xx 4 × 4 = 16 16। अच्छा, प्लस का साइन आएगा प्लस, क्योंकि 4 × 6 = 24 24x प्लस प्लस प्लस, यहाँ साइन चेंज कर दे, माइनस माइनस माइनस, 16x² 16x² कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, px प्लस का ये -24 है, -24x, ये प्लस का क्यू माइनस 16। अच्छा, अब हम असल सवाल पर आते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहा था। सवाल हमसे ये कह रहा था कि हमारे पास p और q की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये पूरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरह बनेगी कि आप अगर p और ये जो रिमाइंडर जो आया है, इस रिमाइंडर को आप 0 के बराबर कर दें। तो हमने क्या करा, इसको उठाया, px − 24x + q − 16, इसको 0 के बराबर कर दिया। हमने यहाँ से क्या किया, कॉमन निकाल लिया x को, दोनों टर्म में x कॉमन निकाल लिया तो बच गया p − 24, और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया तो बच गया हमारे पास q − 16। अच्छा जी, अब आप देखिए p − 24 को अगर आप 0 कर देंगे तो 0 के इक्वल कर दें, p − 24 को 0 के इक्वल कर दें तो p − 24 को 0 के इक्वल कर देंगे और q − 16 को 0 के इक्वल कर देंगे। ये इक्वल 0 की क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक समझिए।
जीरो के इक्वल यहाँ पे अगर पी माइनस 24 की बजाय अगर जीरो रख देंगे हम यहाँ पे, तो जीरो मल्टीप्लाई हुआ एक्स से तो जीरो आ जाएगा। क्यू माइनस 16 को जीरो के इक्वल करने की वजह यह है कि अगर इस क्यू माइनस 16 की जगह जीरो रख देंगे तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाई वन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, इसका मतलब है कि जीरो ही करना पड़ेगा बराबर। तो अब यहाँ पे जीरो हमने कर दिया तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो अगर हम सवाल में पी की वैल्यू 24 और क्यू की वैल्यू 16 अगर हम सवाल में पुट कर दें, पी की वैल्यू 24 और क्यू की वैल्यू 16, तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब उसमें हमें इस जैसे एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए ये इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल के बारे में बता दें कि ये सवाल हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.14 से लिया गया है और इस सवाल का नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसको आप इस तरह एक ब्रेक इस तरह लाइन के अंदर में लिख लें, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लें जो आपकी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सवाल में गिवन थी, एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। क्यूब और स्क्वायर को, क्यूब को 3 बोलते हैं और स्क्वायर को 2। आइए चलते हैं एक्स की पावर 4 को, हमें यहाँ पर क्या लिखें जो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाए। तो हम एक्स की पावर 4 के लिए एक्स स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद ही इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर 4, डिवीजन लाइन एक ड्रॉ कर देंगे यूं करके, और यहाँ पर तो प्लस होता है और यहाँ माइनस, तो ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, 4x³ इनको कॉपी डाउन कर लेंगे और प्लस का 10x² इसको भी कॉपी डाउन कर लेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो x² ये हो जाएगा 2x². अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 2x। तो अगर प्लस का 2x यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी प्लस का 2x लिखेंगे। ये प्लस का 2x क्यों लिखा हमने, हमने इससे पहले भी वाली वीडियोस में भी हमने यही बताया था कि हमें सबसे पहले वाली ये जो टर्म है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सबसे इस पहली वाली टर्म को ख़त्म करना है। इससे पहले ये वाली थी एक्सप्रेशन तो इसमें ये वाली टर्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई, इसमें ये वाली टर्म थी तो इसमें ये वाली टर्म को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा 4x³ है ये, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2x², मतलब कि हमें क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2x² में, ये 4x³ बन जाए। तो 2x को मल्टीप्लाई करा देंगे 2x² से, तो 2 2 4 और x x³, तो ये रहेगा हमारे पास 4x³ और ये 2 2 4 x x² 4x² ये प्लस था तो ये माइनस, और यहाँ पर तो ये प्लस का था तो ये माइनस, यहाँ पर तो ये ऐड हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट। 10 में से 4 को माइनस करवा देंगे तो 6x² आ जाएगा। यहाँ पर पी ऑफ एक्स और क्यू कॉपी डाउन कर लेंगे। आगे 2x ये हो जाएगा 4x, 2x² ये कॉपी डाउन कर लेंगे। उसके बाद इस 2x² को, मतलब कि हमें 6x² को कैंसिल आउट करना है, तो हम यहाँ पर क्या क्या रखेंगे जो 6x² आ जाए, तो हम यहाँ पे प्लस का 3 रख देंगे, तो 3 2 6 और x² ऐसे आ जाएगा, तो 6x² 3 4 12 और x ऐसे आ जाएगा, 3 3 9, डिवीजन लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये और ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स माइनस का 12x और प्लस का क्यू माइनस का 9, और इसको ऐड करवा लेंगे 6 हो जाएगा, ये 4x है और ये 2x² है। हम ये चाहते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसमें p और q की वैल्यू हमें फाइंड करने जो सवाल में हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे पास अगर रिमाइंडर नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होता, मगर इसमें रिमाइंडर आ गया
तो अब रिमाइंडर को ही, तो रिमाइंडर के जरिए ही तो हमें निकालना है पी और क्यू की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को एक जीरो के इक्वल कर देंगे। तो ये लगा देंगे हमारे पास पी ऑफ एक्स माइनस का 12x प्लस का क्यू माइनस का 9 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर रिमाइंडर को ही तो हम जीरो करना चाहते थे कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर में यही होता है रिमाइंडर नहीं बचता है, तो यहाँ तो रिमाइंडर बच गया। तो हमने क्या करा, इसको जीरो के बराबर पुट कर दिया। तो यहाँ पर एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये रहेगा पी माइनस 12 और यहाँ पर क्यू माइनस 9। अब पी माइनस 12 को जीरो के बराबर रख दीजिए और क्यू माइनस 9 को जीरो के बराबर, ताकि ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो आंसर भी जीरो ही आता है। क्योंकि एक्स को जीरो नहीं रख सकते, अगर एक्स को जीरो रखेंगे तो पूरा सवाल ही जीरो हो जाएगा, तो फ़ायदा ही नहीं है एक्स को रख के जीरो। एक्स को रखना नहीं है, एक्स को रखेंगे गलत हो जाएगा। तो पी माइनस 12 को जीरो के एक बार रख देंगे और क्यू माइनस 9 को जीरो के एक बार रख देंगे। तो पी माइनस 12 को जीरो के एक बार रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू 12 और क्यू माइनस 9, 9 उधर चला जाएगा तो ये जाएगा क्यू इज इक्वल टू 9। जब ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, जब ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमने इस सवाल में पी एंड क्यू को फाइंड करा है, पी और पी एंड क्यू की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ताकि हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस नए चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें जिन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मुश्किल आती है। थैंक यू।